मॉर्निंग वालों, फिर तो आज हम लोग डेंगू के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे डेंगू पैथी से फैल रहा है कि डेंगू वायरस से फैल रहा है, और जो जिसका मेन वेक्टर है दैट वन इज एडीज मॉस्किटो। हमेशा जो भी फैलाने वाली है और तो बॉड बोन्स में जो भी मॉस्किटो के बारे में पढ़ेंगे वो लोग ऑलमोस्ट सारी फीमेल्स हैं। जैसे फीमेल्स एनोफिल्स है तो मलेरिया फिर हो रहा है, फीमेल्स एडीज है तो डेंगू हो रहा है। तो फीमेल्स आर वेरी डेंजरस मॉस्किटो के टर्म्स में। तो मेनली ये कहा रहता है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। इनक्यूबेशन पीरियड 6 to 10 days। इनक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब है कि जब हम कहीं से इन्फेक्ट हुए तब तक का पीरियड, जब तक कि इन्फेक्शन से लेके जब तक हमारे सिम्टम्स नहीं दिखते हो, तो दैट फेज इज नोन एज इनक्यूबेशन पीरियड। तो ये इनका इनक्यूबेशन पीरियड मेनली 6 to 10 days होता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होता है, तो रैसेस होने लग जाती है, नौशिया होने आता है। मोस्ट कॉमनली अगर आप कहें तो पहला जो सिम्टम्स दिखता है वो हमको चिकन पॉक्स का दिखता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अलग चीज जो दिखता है वो हमको कोल्ड सॉक दिखता है। यहाँ पे फीवर जनरली नहीं होता है, इसमें कोल्ड कोल्ड सॉक होने लगता है हम, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफी रिड्यूस होने लगता है, काफी लोअर होने लग जाता है। हमारे जो ग्लैंड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड है, विदर अदर्स ग्लैंड्स, वो बहुत ज्यादा स्वेलन होने लग जाते हैं। हमारे प्लेटलेट्स में बहुत ज्यादा कमी होने लग जाता है। अब ये मोटर ट्रांसमिशन कैसे हैं, तो ऑब्वियस वेक्टर बोन है तो मॉस्किटो के बाइट से होगा। अब ये मॉस्किटो कहाँ पे हो सकते, प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई भी स्टैंडिंग वाटर में ये अपनी एग लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंटेनर में, कोई भी वेसेज में इनफेक्ट। उसके बाद वहां से जो किसी हेल्दी इंसान को काटा तो इन्फेक्शन हो गया। तो फर्स्टली जो मोस्ट कॉमनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मॉस्किटो बाइट है। दूसरा मदर टू चाइल्ड हो सकता है, ट्रांसप्लेसेंटल वे में ये फैल सकता है। थर्ड सोर्सेस क्या है, किसी भी टाइप के ऑर्गन इम्प्लांट कर दिए या ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर दिए, अगर जिनसे भी ब्लड ले रहे हैं या ऑर्गन्स ले रहे हैं वो पहले से अगर डेंगू पेशेंट है तो आपको डेंगू होने की पूरी संभावना है। अब ये जो डेंगू फीवर है इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो वायरल टेस्ट करते हैं हम लोग, सीरम टेस्ट करते हैं हम लोग, या ब्लड टेस्ट करते हैं, टोटल काउंट लेते हैं, आरबीसी का काउंट लेते हैं, प्लेटलेट्स का काउंट लेते हैं। तुमको पता है कि आरबीसी हमारा कम हो जाता है, प्लेटलेट्स हमारा कम हो जाता है, तो इससे हम डेंगू को कन्फर्म करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए अभी तक फिलहाल हमारे पास कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन डेवलप नहीं है, तो जो सिम्टम दिखता है हम उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ना अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम रेस्ट चलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को जो हमने अभी कोविड में किया है वो सारी चीजें हम डेंगू फीवर के लिए भी करते हैं। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, ऑब्वियस तो मॉस्किटो से हम दूर रहें, तो वैसे सारी चीज करें जिससे मॉस्किटो का ग्रोथ कम हो जाए। तो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करें, ट्रैप्स यूज करें, नेट्स यूज करें, कॉइल्स यूज करें, इस टाइप कर सकते हैं। दूसरा कि जहाँ पे मान लीजिए कि जो भी वेस्ट चीजें हैं वो हम कचरा बाहर ना फेंकें जिससे मॉस्किटो का ग्रोथ बढ़ रहा है, तो टिपिकली हम यही कर सकते हैं कि मॉस्किटो के ग्रोथ को रोक सकते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा वैसे जगह पे हम जा रहे हैं तो कभी कभी बड़े पैंट्स पहन के जाएं, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहन के जाएं, इन सभी से हम क्या कर सकते हैं कि डेंगू को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज चिकनगुनिया। जब चिकनगुनिया में मेनली क्या हो रहा है कि एक इन्फेक्शन है, मोस्टली इन चिल्ड्रन होता है। तो अब ये यहाँ पे क्या है कि ये भी एडीज से ही होता है। जो एडीज यहाँ पे फीमेल एडीज हमें डेंगू फैला रहा था तो वो चिकनगुनिया भी फैलाता है, बट दोनों का स्पेसिस अलग है। ये एल्बोपिक्टस है, वो सिंपली एडीज है। तो अब ये जो फर्स्टली चिकनगुनिया हमारे देश में आया था ये भी काफी खतरनाक रूप से आया था इन कोलकाता 1963, और उसके बाद ये एपिडेमिक्स के रूप में फैला था चेन्नई, पॉन्डिचेरी, वेलोर में, तो फिर धीरे धीरे फैलते गया था। तो अब ये चिकनगुनिया में क्या हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है जॉइंट्स में, रसेज हो रहे हैं, फैटिक हो रहे हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है हमारे डाइजेशन में। उसके साथ जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो क्या है, कंजक्टिवाइटिस। अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो ब्लाइंड हो सकते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस के बारे में अपने अलग से ही पढ़ा है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चिकनगुनिया कैसे फैल रहा है, तो ऑब्वियस यहाँ पे भी मच्छरों से ही फैल रहा है। और ये हमारे बॉडी में क्या करता है कि मेनली कोई भी वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, वहां पे इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन कहने का मतलब है उसको, उसके साइज अगर इतना है तो वो उसको फुला के इतना कर देगा। अब इन्फ्लामेशन के कारण में भी हो सकता है ब्लड लॉस होने लग जाए, ब्लड लीकेज होने लग जाए। दूसरा क्या करता है कि चिकनगुनिया का जो वायरस है वो टारगेट ऑर्गन्स पे जाके बैठता है, जॉइंट्स पे जाके बैठने लग जाता है, वहां पे इन्फ्लामेशन करने लग जाता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। उसके अलावा
अगर ये किसी तरह कोई भी नया सेल्स में गया तो वहां पे ब्लास्ट कर सकता है, तो सेल ब्लास्ट सेल डेथ कर सकता है, तो इस टाइप से ये काफी खतरनाक भी है। तो अब यहाँ पे ट्रांसमिशन तो मॉस्किटो के द्वारा हो रहा है, एडिस मच्छर के द्वारा हो रहा है, दूसरा ट्रांसप्लेसेंटल है, मदर टू चाइल्ड हो रहा है। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो जैसे जितने भी वायरल टाइप के डिजीज को करते हैं एलिसा टेस्ट के जरिए करते हैं, एंटीबॉडीज को काउंट करके करते हैं, तो इन सभी से हम चिकुनगुनिया के वायरस को टेस्ट करते हैं। तो जैसे हमने ट्रीटमेंट पढ़ा है तो इसका भी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, अच्छी बात ये है कि ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है, और क्या है कि बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स पीने के लिए दिया जाता है। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, उसके बाद अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ गई तो इंट्रावीनस हम चढ़ा सलाइन चढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत तेजी के साथ होने लग जाता है जिससे हमारा ब्लड वेसल रप्चर होने लग जाता है, जिसका कंडीशंस में आप क्या हो सकता है कि मर सकते हैं, ब्लड लॉस होने लग जाएगा बहुत ज्यादा, कई केस ऑफ हेमरेज हो सकता है। तो इसका जो